80 के दशक में मशहूर शो रामायण में विभीषण की भूमिका करने वाले गुजराती एक्टर मुकेश रावल की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि उनका शव मंगलवार की सुबह मुंबई के कांदिवली के इलाके में पटरी पर मिला, जहां पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला बताया है। वहीं घर वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं। मुकेश सुबह घर से बैंक के लिए पैसा निकालने गए थे, वहां से घाटकों पर डबिंग के लिए जाने वाले थे। 24 घंटे के बाद जब वो घर वापस नहीं आए तो परिवार के लोगों ने कांदिवली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। बाद में फोटो दिखाने पर लाश पाए जाने की खबर पुलिस ने मुकेश के घर वालों को दी। हालांकि मुकेश के परिवार ने पूरी तरह से ऐसी किसी भी आशंका से इनकार किया है। उनका कहना है कि घर पर दिन भर के काम की जानकारी वो दिया करते थे, तो ऐसे में सुसाइड की कोई वजह ही नहीं थी। उनके भाई विजय रावल के मुताबिक ना वो किसी तनाव में थे, ना ही वो किसी ऐसी पारिवारिक वजह की वजह से आत्महत्या कर सकते हैं। रामायण के अलावा मुकेश ने गुजराती फिल्में और कुछ टीवी सीरियल्स में काम किया है। फिलहाल तो गुजराती टीवी सीरियल नस नस में खुन्नस में वो काम कर रहे थे। ऐसी कुछ बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।